श्री गिरिराज महाराज मित्र मंडल सेवा परिवार के द्वारा गत वर्षों की भांति 3 दिवसीय विशाल छप्पन भोग का आयोजन किया गया, जिसमें भजन संध्या और भंडारे का आयोजन भी किया गया। श्री गिरिराज महाराज मित्र मंडल सेवा परिवार मथुरा द्वारा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गोवर्धन में नववर्ष के उपलक्ष में विशाल फूल बंगला, छप्पन भोग, भजन संध्या और भंडारे का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम 31 दिसंबर से शुरू होकर 2 जनवरी तक चला, जिसमें 31 दिसंबर को यमुना पूजन और भव्य शोभा यात्रा लाल दरवाजा से विश्राम घाट तक निकाली गई। उसी दिन पालना मनोरथ श्री कृष्ण जन्मनंद उत्सव मनाया गया। दूसरे दिन 1 जनवरी को होली मनोरथ और बगीचा दर्शन का कार्यक्रम दुग्धधार सप्तकोशी परिक्रमा बैंड बाजे ढोल नगाड़ों के साथ की गई। वहीं शाम को रसोड़ा मनोरथ, विजय पर्व, मनोरथ दीपावली, देव दीपावली के अंतर्गत दीपदान का कार्यक्रम किया गया। तीसरे दिन 2 जनवरी को चंद्रभान राम बाबू चैरिटेबल ट्रस्ट मानसी गंगा के पास गोवर्धन में राजा बाला मंदिर पर गिरिराज महाराज जी का अभिषेक और विशेष श्रृंगार दर्शन, इसके उपरांत भव्य फूल बंगला, जिसमें देश विदेश के फूलों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान फूल बंगला प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा। विशाल छप्पन भोग, जिसमें अनेकों प्रकार के हर प्रदेश के व्यंजनों को, जिसमें कि राजस्थानी मिष्ठान, जोधपुरी मिष्ठान, मारवाड़ी मिष्ठान और ब्रज के सभी तरह के व्यंजनों को बनाकर छप्पन भोग लगाया गया। वहीं शाम को भजन संध्या का आयोजन किया गया, जहां राधा कृष्ण के स्वरूपों के साथ संस्था के पदाधिकारियों द्वारा फूलों की होली मनाकर आनंद लिया गया। आज हम लोगों ने यहाँ पे श्री गिरिराज जी महाराज गोवर्धन में विशाल छप्पन भोग, फूल बंगला और भंडारे का आयोजन यहाँ पे किया है। हमारी संस्था श्री गिरिराज महाराज मित्र मंडल सेवा परिवार मथुरा विगत 14 वर्षों से लगातार श्री गिरिराज जी पे छप्पन भोग, अभिषेक, फूल बंगले का आयोजन करती आ रही है। इसी क्रम में हमने 3 दिवसीय प्रोग्राम अब भी नववर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पे आयोजित किया है। कार्यक्रम में हमने प्रथम दिन श्री गिरिराज जी का यमुना पूजन का प्रोग्राम रखा, द्वितीय दिन गिरिराज जी की दुग्ध धारा की परिक्रमा की और तृतीय दिन आज हमारे यहाँ पे गिरिराज जी का अभिषेक और छप्पन भोग और भजन संध्या, उसी के साथ में साधु सेवा का भी आयोजन हमने किया है। कार्यक्रम में हमारे दूर दूर से संस्था के पहुँचे यहाँ पे पदाधिकारी हैं, जो बाहर अन्य राज्यों से भी आए हैं और विभिन्न अलग से परिक्रमार्थियों का भी यहाँ पे हमने साधु भोजन कराया है। और कार्यक्रम की भव्य सफलता के लिए मैं अपने समिति के संस्थापक श्री कन्हैयालाल अग्रवाल जी को व समिति के हमारे अध्यक्ष श्री पार्षद श्याम सिंह जनरेटर वालों को व पधारे हुए समस्त अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आगे भी गिरिराज महाराज के चरणों में ये अनुकंपा करता हूँ कि आगे भी हमारा इसी तरीके का कार्यक्रम भव्य गिरिराज महाराज संचालित करते रहे। बोल गिरिराज महाराज की जय।